तिखे तो भी तिखाए दिमाग शमशीरा पसियां दा चीमा रखे बखरे ख्याली पहाड़ियां दे नाल बोल चालियों पलिए बोल देना फड़ा जिन्ना नाल बोल चाल। जो व्हाट्सएप पोजिस केमियो की हाल चाल, अज दी इस वीडियो विच आपां गलबात करांगे टॉप एल्बम्स या ईपीस बारे जिहड़ियां बिलबोर्ड चार्ट्स ते एंटर होईयां पिछले लास्ट 3 सालां दे विच। सो आपां लास्ट 3 सालां दा डाटा कलैक्ट कीता, देखदे आं किहड़े-किहड़े आर्टिस्ट ने किहड़े-किहड़े साल खुत्ती पाई आ। सो लेट्स बिगिन विद 2021। 2021 एक इहोजा साल सीगा जिस साल सिद्धू मूसेवाले बाई दी लैजेंडरी एल्बम मूस्ट टेप भी रिलीज़ हुई सी, एंड उसे साल करन औजले बाई दी मोस्ट अवेटेड एंड फर्स्ट स्टूडियो एल्बम BTFU भी रिलीज़ हुई सी, एंड उसे दे नाल नाल दलजीत बाई ने भी आदि एल्बम मून चाइल्ड एरा उस साल रिलीज़ की थी। बिलबोर्ड चार्ट्स एंड विकीपीडिया के अकॉर्डिंग जी मूस्ट टेप एल्बम आ बिलबोर्ड चार्ट्स के उत्ते नहीं रैंक की थी, क्योंकि एक एक करके इस एल्बम के गाने रिलीज़ किए गए थे। जिदा अज एक गाना रिलीज़ होया, दो दिन छड़ के फिर एक गाना रिलीज़ होंदा सी, इदां इस एल्बम के गाने रिलीज़ किए गए थे, करके एल्बम कट्ठी घट स्ट्रीम हुई एंड कट्ठी ये एल्बम है ना एकोदम जिदा कि एकोदम एल्बम ड्रॉप होंगी तो एकोदम सारे लोग सुनते सारे गाने हो सकता है पॉपुलैरिटी के हिसाब से इस एल्बम भी बिलबोर्ड चार्ट्स से फीचर किया जाता, बट एक एक गाना होने करके शायद इस एल्बम को बिलबोर्ड से नहीं फीचर किया गया। बट इस एल्बम का एक गाना हाले भी बिलबोर्ड चार्ट्स से ट्रेंड कर रहा, वह जी 295। मुसीबत मरदा पी रही है दबी ना तू दुनिया स्वाद ली। हालांकि बिलबोर्ड चार्ट्स के उत्ते सिद्धू बाई की जी इनफॉर्मेशन अपलोड आदि अकॉर्डिंग जी सिद्धू बाई की फस्ट एल्बम सी PBX1 वो एल्बम नंबर 66 से रैंक की बिलबोर्ड चार्ट्स के उत्ते, एंड उस तो बाद 2021 जी दूजी एल्बम बिलबोर्ड चार्ट्स से गई थी सी जी दलजीत भाजी की मून चाइल्ड एरा। सो पंजाबी इंडस्ट्री के दलजीत भाई का नाम काफ़ी वड्डा है, दलजीत भाई की जी पॉपुलैरिटी वह भी काफ़ी आ। सो दलजीत भाई की यह एल्बम मून चाइल्ड एरा नंबर 32 से रैंक की थी जी 2021 बिलबोर्ड चार्ट्स के उत्ते। 2021 होर भी काफ़ी सारिया एल्बम्स रिलीज़ हुई, बट करन औजले बाई की एक एल्बम BTFU यदि हाइप एक वक्रे लैवल से सी, जो ये एल्बम रिलीज़ हुई सी काफ़ी लोगों को शुरुआती दौर पसंद नहीं आई, बट लोंग टर्म से जाके लोगों ने इस एल्बम को बहुत ज़्यादा पसंद किया। अज तक भी इस एल्बम के गाने मेरे को भी तो दुनिया को लूप से चलते हैं। सो करन औजले बाई की BTFU एल्बम बिलबोर्ड चार्ट्स के उत्ते #19 से रैंक की सी, जो कि अपने आप से काफ़ी वड्डी गल आ, एंड इस एल्बम ने एक रिकॉर्ड कायम करता सी, क्योंकि उस समय तक कोई भी एल्बम #19 से फीचर नहीं हुई सी। सो करन औजले बाई की एल्बम बिलबोर्ड चार्ट्स से तो फीचर हुई सी, एंड उस 16 सितंबर 2021 में विकीपीडिया के अनुसार करन औजला बाई पहला सब तो वड्डा डिजिटल आर्टिस्ट बन चुका है इंडिया का, जिन्हें 38वें नंबर पर रैंक किया एज आ डिजिटल आर्टिस्ट, जो कि अपने आप से एक बहुत ही वड्डी ते प्राउड की गल आ एज आ इंडियन आर्टिस्ट नंबर 38वें पर रैंक करना। उस तो बाद गल की जाए जी 2022 की, 2022 के बहुत ही घट पंजाबी एल्बम रिलीज़ की गई, क्योंकि 2022 एक इहो जिहा साल से जिस साल EP का दौर आ चुका है पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के, हर एक आर्टिस्ट ने वक्रिया वक्रिया EP रिलीज़ की सी। उस साल सिद्धू बाई की लास्ट EP आपको सुनने मिली सी, जिस EP का नाम से नो नेम, एंड करन औजले बाई की वे अहैड EP भी आपको उस साल सुनने मिली सी, एंड दलजीत बाई की ड्राइव थ्रू EP एंड टू हर्ट्स नैवर ब्रेक द सेम AP ढिलों शिंदा कालो होना की EP। सो जो गल की जाए 2022 के बिलबोर्ड चार्ट्स की, सो नंबर 4 से आँदी है जी नो नेम, जी रैंक की #83 से विकीपीडिया के अनुसार ये एल्बम नंबर 73 तक पहुँच गई सी। उस नंबर 3 से आँदी है जी AP ढिलों से शिंदा कालो की EP टू हर्ट्स नैवर ब्रेक द सेम EP #53 यानी कि 53वें नंबर पर रैंक की थी बिलबोर्ड चार्ट्स के उत्ते। उस साल दलजीत भाई ने अपनी EP भी ड्रॉप की थी ड्राइव थ्रू, जी कि चारों पासे वजी सी, एंड EP बिलबोर्ड चार्ट्स के उत्ते #39 से रैंक की थी, जो कि काफ़ी वड्डा नंबर आ। बट स्टिल 2022 के करन औजले बाई की EP वे अहैड ने मल मारी सी, जो कि #36 नंबर पर रैंक की सी जी बिलबोर्ड चार्ट्स के उत्ते। वैसे तो दलजीत भाई के स्पॉटीफाई पर भी लिसनर ज़्यादा आ, बट अकॉर्डिंग टू करन औजला पॉपुलैरिटी के हिसाब से एल्बम चूज़ की जाए कि एल्बम किन्ने नंबर पर रैंक की जाऊगी, वे हेड की पॉपुलैरिटी को देखते हुए #36 फीचर किया गया से जी बिलबोर्ड चार्ट्स के उत्ते। सो इसे गल करते हैं इस साल यानी कि 2023 की, 2023 के आपको सिद्धू मूसेवाले बाई वालों कोई भी वड्डा प्रोजेक्ट एल्बम या EP नहीं देखने को मिले, कि उन्हों की डैथ के कारण आपको कोई भी वड्डा प्रोजेक्ट देखने नहीं मिले, नहीं तो फोर श्योर इस साल भी सिद्धू मूसेवाले बाई ने कोई ना कोई एल्बम या EP ड्रॉप कर देनी सी। बट इस साल भी 2 एल्बम्स से एक EP रैंक हुई है जी बिलबोर्ड चार्ट्स के उत्ते, जिद नंबर 3 से आँदी है जी शुभ की लेटेस्ट रिलीज़ हुई एल्बम स्टिल रोलिंग। सो स्टिल रोलिंग एल्बम शुभ की पहली स्टूडियो एल्बम से, एंड इस एल्बम ने #40 रैंक किया जी बिलबोर्ड चार्ट्स के उत्ते इस साल। और उस दे नाल गल की जाए नंबर 2 से 4U करन औजले बाई की EP ने रैंक किया #16 से बिलबोर्ड चार्ट्स के उत्ते।
एंड नंबर पहले तो आँदी है जी करण ओजले बई की रीसेंटली रिलीज़ हुई एल्बम मेकिंग मैमरीज, जिन्हें कि हुण तक का सब तो वड्डा रिकॉर्ड कैम करता है। कोई भी इंडियन एल्बम हाले तक इस रैंक तक नहीं पहुँच सकी क्योंकि करण ओजले बई की लेटैसट रिलीज़ हुई एल्बम #5 से बिलबोर्ड चार्ट्स से फीचर हुई आ एंड एक सब तो वड्डा रिकॉर्ड करण ओजले बई के नाम से दर्ज आ। हुण तक की कोई भी इंडियन एल्बम #5 तक फीचर नहीं की बिलबोर्ड चार्ट्स के उत्ते। सो जे इन्हां तिना सालों का बिलबोर्ड चार्ट्स का डाटा एनालाइज किया जाए तो करण ओजला बई 2021 च भी 2022 च भी 2023 च भी ऑन टॉप रहा। ताइयों तो करण ओजला बई ऑलवेज आपके गाणियां दे विच कहिंदा रहिंदा तुसी कि आर्टिस्ट नूं सोचदे हो कि कहड़े आर्टिस्ट की कोई एल्बम या कोई ईपी बहुत जल्दी #1 ते आपां नूं देखण नूं मिलेगी, ये भी कमेंट करके जरूर दस्यो। बाकी जे किसी इदां दी एल्बम का नाम मिस हो गया हो जी बिलबोर्ड चार्ट्स ते फीचर हुई है तो जरूर कमेंट करके दस्यो, आपां नैक्सट वीडियो दे विच उन्हूं भी कवर करांगे। मिलदे आं।